हे वेलकम बैक टू आर चैनल। आज की इस वीडियो में जानेंगे आपको इटालियन वीज़ा फॉर्म कैसे फिल करना है, कंप्लीट इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप BFS से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको BFS के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अगर आपको ट्रांजेक्शन डिक्लाइन की प्रॉब्लम आ रही है वो कैसे सॉल्व करनी है, BFS के अंदर आपको क्या कैरी करना है क्या नहीं कैरी करना है वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीज़ा एट योर डोरस्टेप कैसे बुक करना है, अपना वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस कैसे ट्रैक करना है, ये सब वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये इटालियन वीज़ा फॉर्म है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे फोटोग्राफ, यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लगेगा, उसका साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर एंड उसमें आपको 80% आपका फेस दिखना चाहिए विथ वाइट बैकग्राउंड और ये मैट फिनिश में चाहिए। तो आप किसी भी फोटोग्राफर के साथ जाके वहाँ पर ये फ़ोटो आप बनवा सकते हैं मैट फिनिश में, आप उसे बोलेंगे वीज़ा के लिए चाहिए तो आपको बना के दे देगा मैट फिनिश में। ओके, तो यहाँ पे नंबर वन में देखेंगे आप सरनेम, यहाँ पे आपको अपना सरनेम डालना है एंड यहाँ पे सरनेम एट बर्थ, तो वही सरनेम आएगा, वैसे ऑप्शनल है आप उसको छोड़ भी सकते हैं। नीचे आपको फर्स्ट नेम डालना है अपना एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ओके, डे मंथ एंड ईयर, उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है अपना, उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया एंड यहाँ पे करंट नेशनैलिटी इंडियन, उसके बाद नीचे एट्थ में देखेंगे आप आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है मेल फीमेल, ओके, उस बॉक्स में आपने चेक कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस सिंगल सेपरेटेड विडो एंड मैरिड जो भी है उस बॉक्स में आपने टिक कर लेना है। और ये फॉर्म फ्री है, आपको इसका प्रिंट आउट करके नहीं लेके जाना है, आपको BFS में ही मिलेगा और वहीं पर फिल करना है आपको ये फॉर्म। ओके, उसके बाद टेंथ में आप देखेंगे इन केस ऑफ माइनर सर नेम फर्स्ट नेम एड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट, तो यहाँ पे आपने ये माइनर के लिए आपने यहाँ पे NA कर लेना है नॉट एप्लीकेबल। ओके, इलेवेंथ में नेशनल आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपने यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप देखेंगे टाइप ऑफ पासपोर्ट, तो आपका कौन सा पासपोर्ट है, ऑर्डनरी पासपोर्ट, सर्विस स्पेशल, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल पासपोर्ट, तो ज़्यादातर ऑर्डनरी पासपोर्ट होते हैं तो आपने ऑर्डनरी पे टिक कर लेना है। एंड नीचे आप देखेंगे 13 पे आपको यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना है एंड डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट में होगी वो फिल करनी है एंड वैलिड अंटिल, तो वैलिड अंटिल में आपको एक्सपायरी डेट जो आपकी पासपोर्ट की है वो आपको फिल करनी है, इशू बाई कहाँ से आपका पासपोर्ट इशू है वो आपने यहाँ पे फिल करना है। ओके, जहाँ से पासपोर्ट ऑफिस का नाम, जहाँ पे जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है। उसके बाद 17th आप देखेंगे यहाँ पे एप्लीकेंट होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस एंड उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे टेलीफोन नंबर, अपना टेलीफोन मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद 18th आप देखेंगे रेसिडेंस इन अ कंट्री अदर देन अ कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी, तो अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं या रहे हैं तो आपने यहाँ पे यस करना है, फिर वहाँ पे कब तक रहे हैं वो डालना है, बट अगर नहीं रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो कर लेना है। 19th में आप देखेंगे करंट ऑक्यूपेशन, आपका करंट ऑक्यूपेशन क्या है वो आपने यहाँ पे डालना है। ओके, आप क्या काम करते हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, तो अगर वर्क वीज़ा है आपका तो अपनी कंपनी का नेम एंड टेलीफोन नंबर आपने फिल करना है, स्टूडेंट हैं तो आपने अपना स्कूल या कॉलेज का नेम एंड वहाँ का टेलीफोन नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आप देखेंगे मेन पर्पस ऑफ द जर्नी, तो आपका मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे आप देखें रिलीजियस, मेडिकल, स्पोर्ट्स, स्टडी, जो भी है वो आपने यहाँ पे उस बॉक्स पर टिक कर लेना है, अगर इसमें नहीं है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए आप सी फेरर हैं तो सी फेरर यहाँ पे आपने डालना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे 22, यहाँ पे आपको सिटी ऑफ डेस्टिनेशन, तो इटली के अंदर आपने एग्जांपल के लिए जेनेवा जा रहा हूँ मैं, जेनेवा इटली यहाँ पर डाल लूँगा। ओके, तो आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का आपने सिटी एंड यहाँ पर कंट्री डाल लेना है इटली। ओके, एंड यहाँ पर भी सेम जेनेवा इटली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको जेनेवा इटली का, आपका जहाँ का भी है उस जगह का आपने नाम डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एंट्रीज उनो दियो मल्टीपल, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल एंट्रीज आपने उस, अगर आप सी फेरर हैं तो मल्टीपल पे करेंगे, अदरवाइज़ आपके एक है तो एक पे करें, अगर दो हैं तो दो पे करें, ठीक। ओके, एंड यहाँ पर आप देखेंगे
ये है आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे मैक्सिमम से, तो आप कितने दिन वहाँ पे रुकने वाले हैं वो डेज़ आपने यहाँ पे डाल लेने हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे सिनेगन वीज़ा इशूड ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर्स, अगर आपको मिला है तो आपने यहाँ पे सी येस पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको कहाँ कब से कब तक था वो डेट यहाँ पे डालनी है आपने, अगर नहीं है तो आपने नो पे कर लेना है, सिंपल है। ओके नीचे आप देखेंगे फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग फॉर सिनेगन वीज़ा, तो अगर आपके फिंगरप्रिंट पहले लिए हैं तो येस करें, अगर नहीं लिए हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। ओके अगर आप ऊपर नो करेंगे तो नीचे भी आपने नो ही करना है। ओके यहाँ पे है आपका 28th फैमिली रियूनियन वीज़ा, अगर आपका है तो आपको वैलिड फ्रॉम टू आपने यहाँ पे फिल करना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल एन ए कर लेना है। नीचे आपको है अराइवल इन सिनेगन एरियाज, तो जिस डेट को आप वहाँ पे अराइव करने वाले हैं इटली में वो डेट आपने यहाँ पे डालनी है अपनी फ्लाइट डिटेल के अकॉर्डिंग। ओके एंड यहाँ पे देखेंगे डिपार्चर फ्रॉम द सिनेगन एरियाज ओनली फॉर वीज़ा ऑफ 91 डेज एंड अप टू 364 डेज, तो यहाँ पे अगर आप 91 डेज से और 364 डेज तक रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे डिपार्चर डेट डालनी है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे इसको छोड़ देना है। एंड नीचे आपको 31 यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी सेम वही है फैमिली रियूनियन वाला, अगर आपका है तो आपने वो डाल लेना है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे एन ए कर लेना है। उसके बाद आप आ जाएंगे सीधे 32 में, यहाँ पे देखेंगे आप नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो आपने अगर वर्क वीज़ा में जा रहे हैं तो अपनी कंपनी का यहाँ पे आपने नेम एड्रेस ये सब डालना है। ओके एंड यहाँ पे टेलीफोन एंड फैक्स नंबर वो आपने यहाँ पे डालना है। उसके बाद नीचे 33 में आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग द एप्लीकेंट स्टे इज कवर्ड बाय, तो अगर आप माई सेल्फ करते हैं तो यहाँ पे आपको फिर मीन्स ऑफ सपोर्ट कैश ट्रैवलर्स चेक क्रेडिट कार्ड जो भी है उसमें आपने चेक कर लेना है। ओके अगर आपको आपकी कंपनी अगर पे कर रही है तो आपने यहाँ पे चेक कर लेना है इस बॉक्स पे। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आप देखेंगे 34, यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनल डाटा ऑफ अ फैमिली मेम्बर हु इज़ इन UEEA और CS सिटीजन, तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक एरियाज में अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर रहता है तो उनका नेम सॉरी सरनेम फर्स्ट नेम डेट ऑफ बर्थ नेशनलिटी वो सब आपको फिल करना है। ओके यहाँ पे इस तरह से आप सरनेम डाल लेंगे एंड फर्स्ट नेम डेट ऑफ बर्थ नेशनलिटी अगर कोई रहता है तो, अगर कोई नहीं रहता है तो आपने यहाँ पे एन ए कर लेना है सब बॉक्स पे एन ए। ओके एंड नीचे यहाँ पे आप देखेंगे 35, ये भी वही चीज़ है, अगर यहाँ पे स्पाउस डॉटर कोई है तो उस बॉक्स पे आपने चेक कर लेना है, अदरवाइज़ को भी छोड़ लेना है। नीचे प्लेस एंड डेट एंड यहाँ पे जो सिग्नेचर है इसमें भी आपने एन ए कर लेना है, ये माइनर के लिए है। ओके इसको भी आपने इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे लास्ट, या आप अगर रीड करना चाहते हैं इसको पढ़ सकते हैं। ओके ये सब पढ़ने के बाद ये आपने छोड़ देना है, ये ऑफिस यूज़ के लिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एंड यहाँ पे आपको प्लेस एंड डेट, अगर आप BFS न्यू दिल्ली में फिल कर रहे हैं फॉर्म तो BFS न्यू दिल्ली यहाँ पे आपको वो डेट फिल कर लेनी है एंड यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपने ये फॉर्म को BFS में सबमिट कर लेना है और फ़ोटो आपने नहीं लगाना है इसमें, फ़ोटो आपने सिर्फ कैरी करना है, फ़ोटो वही लोग वहाँ पे लगाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको BFS के अंदर आपको क्या कैरी करना है क्या कैरी नहीं करना है। ओके जैसे पेन ड्राइव लैपटॉप हार्ड डिस्क ये सब आपको नहीं ले जाना है, और आपको क्या क्या करना है क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके अंदर वो सब वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी BFS से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन सब वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।